चल पकड़े जा उधर जा 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 जा। कितना आया भाई? कितना भाई? 87। ओके 7 फीट आया। ओके और इधर का भी 7 होगा ना, और इधर का ले ले इसे। मतलब 6। ओके चलो अभी नीचे का ले लेते हैं। ओके जाओ उधर। उई दिखा 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 जा इधर। क्या यार छोटा है बे। खत्म। 10 उधर से जाना, उधर जाना। नहीं आएगा 10। हे गाइस वेलकम बैक। तो दोस्तों हमने अभी बाहर नाप क्यों लिया, आज हम जा रहे हैं प्लांट का जो बास्केट आता है ना, पॉट, मतलब जो प्लांट लगाना पॉट आता है ना, जो कि ये वाला कुंडी आती है ना भाई, ये लेने के लिए हम जा रहे हैं। क्योंकि यार मैंने सोचा ना यार कि यार यहाँ पे पूरा ना गार्डन का लुक दे यार, ठीक है ना, तो अच्छा लगेगा और बहुत ग्रीनरी आ जाएगी हमारे सेटअप में। और तो और ऊपर का भी हमने नाप लिया, तो ऊपर भी हमें ढेर सारे पॉट्स लाने हैं। ओके और दोस्तों हमारे जो पोलर पैरेट के बेबीज है, जैसे कि इस टब में हमने पिछले हफ्ते लाए थे यार, और ये वाले हमें ऊपर से मिले। ऊपर वाले हमारे बेबी की जो टंकी है ना, फिशेज के जो बेबीज हमने रखे हैं, उस टंकी में से हमें इतने सारे बेबीज मिले। ये देखो इतने सारे ये। ओके ये और ये वाले टब में जितने भी बेबीज है ना, ये हमें सारे जाने वाले हैं अभी पेट शॉप। मतलब मेरी और एक भैया की बात हुई है, तो मैं सारे बेबीज उन भैया को देने वाला हूँ। उनका पेट शॉप है यार टोटी के ना, तो वहाँ पे हमारे बेबीज जाने वाले हैं। तो चलो यार अब ध्रुव चल अभी ना जल्दी जल्दी बेबीज पैक करते हैं, ये वाले और निकलते हैं, और अभी आपको मिलता हूँ सीधा पेट शॉप। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ एक्वेरियम शॉप, और हमारे सारे पोलर पैरेट के बेबीज मैंने भाई के पास दे दिए, और शॉप में क्या क्या अवेलेबल है हम वो भी देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पोलर पैरेट के बेबीज, इसमें मैंने व्हाइट भी लाए हैं और हमारे ब्लू कलर भी मैं लेके आ गया। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, शॉप सारा कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बर्ड्स से, जो कि यार देखो यार कितने सारे बर्ड्स पेयरिंग में रखे यार सारे बर्ड्स। मतलब भाई के पास इस बार सारे ब्रीडिंग पेयर अवेलेबल है। देखो यार ये लो बर्ड का पेयर है, ब्रीडिंग पेयर है, भाई को मैंने पूछा है ब्रीडिंग पेयर है, और ये बजीज का ब्रीडिंग पेयर, ये है जम्बो बजीज। भाई इसकी साइज नहीं बड़ी ना यार, कैमरे में छोटी दिख रही होगी बट ये असल में बहुत ही लंबी साइज है यार, बड़ी बड़ी यार है। और ये है फिंच, वाह मिक्स कलर की फिंच यार है, ये भी पेयरिंग में, और ये पेयर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बजीज का पेयर है और जंबो बजीज का पेयर है, और इसका जो मेल है ना भी बहुत बड़े साइज़ का है, फीमेल भी बड़े साइज़ की है बट मेल ज़्यादा बड़े साइज़ का। तो दोस्तों अभी हम फिश भी कवर कर लेते हैं, कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम फिश भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हमने सबसे पहला टैंक कवर किया, और यहाँ पे है कुछ टेट्रा वैरायटीज़ प्लांटेशन टैंक के लिए, बहुत खूबसूरत फिश है, मुझे नाम नहीं पता उनका। और ये है शुपकिन गोल्ड फिश, ये देखो कितनी क्यूट है। और यहाँ पे है ओरंडा रेड कैप, ओरंडा नहीं रेड कैप गोल्ड फिश, और नीचे है क्यूट क्यूट सी हमारी फीडिंग गोल्ड, देखो कितनी क्यूट है, स्मॉल साइज की क्यूट क्यूट गोल्ड फिश है। इनको भाई ऊपर से भी देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे नीचे से इनकी साइज़ नहीं पता चलती। तो ये देखो भाई अभी ऊपर से आपको दिखाता हूँ, अबे यार ऊपर से तो पूरा ऑक्सीजन चल रहा है, हाँ एयर पंप चल रहा है, तो इतना अच्छे से नहीं दिखेगा। और ये देखो भाई नीचे सब फीडिंग गोल्ड है, और ऊपर है ये देखो कौन सी यार है, अच्छा कलर वीडियोज़ है। ओके 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 ये सारे के सारे कलर वीडियोज़ भाई, बिग साइज़ में कलर वीडियो, ठीक है ना भाई साहब। और दोस्तों मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ये कौन सी गोट बोले यार मुझे नाम नहीं पता इसका, बट ये ना स्मॉल साइज की गोट है यार, कितनी क्यूट है भाई, इतनी छोटी ना ये, अभी कैमरे में बड़ी लग रही होगी बट बहुत छोटी है यार ये। तो यार इसे हम हमारे सेटअप में ज़रूर ऐड करेंगे, बट हमारा सेटअप थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम इसे ज़रूर ऐड करेंगे, ठीक है ना, कितनी क्यूट है यार भाई, तुझे हम हमारे सेटअप में ज़रूर ऐड करेंगे। और दोस्तों कुछ फिशेस अंदर की कवर करने की रह गई, ये देखो ये मॉली फिश का पेयर है वाइट एंड रेड में, और यहाँ पे है मॉली फिशेस के छोटे छोटे स्मॉल बेबी, कितने क्यूट है यार। मतलब देखो यार उसमें गप्पीज है और कुछ ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा, तो ये है मॉली फिशेस के क्यूट क्यूट से बेबीज, कितने सारे भाई ये। और इसके बिल्कुल साइड में है कलर जो ज़ेब्रा डायनोस होती है वो वाली, और यहाँ पे एक प्लांटेशन टैंक है। और मैंने भाई को जो पोलर पैरेट के बेबीज देना, तो भाई ने पोलर पैरेट के बेबीज प्लांटेशन टैंक में ऐड किए भाई, ये तो कुछ घंटों के लिए यहाँ पे ऐड किए हैं, बाद में भाई निकाल लेने वाले इनको और कुछ अलग से टैंक में रखने वाले बड़े टैंक में। और यहाँ पे है कुछ कोई फिशेस,
तो दोस्तों हमने अभी सारा एक्वेरियम कवर कर लिया, इस साइड वाला और बर्ड सेक्शन भी भाई का हमने कवर कर लिया। और दोस्तों अभी देख सकते हैं यार कलर वीडियो की साइज कितनी बड़ी दिख रही है यार, ये देखो अभी साइज समझ में आ रही है। और तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक कैट देखी जो कि इसके हाफ आंखें देख सकते हैं यार फुल येलो कलर की है और ये पूरी व्हाइट कलर में, देखो कितनी क्यूट है भाई ये, हाथ भी मुझे लगाने दे रही है। वाओ भाई तुझे भी हम हमारे सेटअप में ज़रूर ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे है सारा का सारा ड्राई का सामान, मतलब एक्वेरियम में एसेसरीज वगैरह लगती है तो यहाँ पे सारी की सारी है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे एक कलर वीडियो का सेटअप देखा, देखो यार यहाँ पे ड्रिप टूड है और कलर वीडियोज कितनी क्यूट लग रही है यार, ये ब्यूटीफुल लग रहा है यार सेटअप। तो ये देखो यार यहाँ पे मैंने एक बजीज की कॉलोनी देखी पूरे केज के साथ, ये है सारे के सारे सेट पेयर है भाई, ठीक है ना। तो ये देखो यार कितने सारे अलग अलग वैरायटी से अलग अलग कलर के बजीज है, ये पूरी बजीज की कॉलोनी है, ये देखो यहाँ से भी देख लो और बहुत बड़ी साइज़ में है यार ये। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत ही बड़ा पैरट फिश देखा, ये देखो यार इसका कलर ही अलग है यार। तो चलो दोस्तों यार अभी हम हमारा नेक्स्ट काम करते हैं जो कि हमें हमारे गार्डन की शॉपिंग करनी है, तो चलो भाई। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ हमारे गार्डन के लिए लगने वाली चीज़ें लेने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो और कितने अलग अलग तरह के फ्लावर पॉट है, और ये देखो यार मुझे ये बहुत अच्छे लगे वाइट वाले, तो और तो बहुत सारे लेने हैं भाई हमें, ठीक है ना। अभी तो मैंने देखे यार अभी स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, तो ये देखो भाई यहाँ पे स्क्वायर में भी है राउंड में भी है, मतलब जो चाहिए वो है यार, ठीक है ना, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो भाई हमें जो अच्छे लगते हैं वो देखते हैं और जो हमें अच्छा लगेगा हम वो ले लेंगे। तो यार ये वाले कलर की कुंडियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे पास ये बहुत सारी है, तो चलो यार अभी इसमें से ही हमें देखनी है। अभी मुझे मैं इसमें जो साइज़ वगैरह है वो डिसाइड कर लेता हूँ कौन सी साइज़ हमें लगना है। तो सबसे छोटी है ये, थोड़ी बड़ी वाली है और ये और थोड़ी बड़ी है, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर वाली भी देखो यार, यहाँ पे स्क्वायर वाली भी है और ये देखो स्क्वायर में थोड़ी बड़ी साइज़ की है, और ये वाली मुझे अच्छी लगी यार क्योंकि ये सबसे बड़ी है और हमें बड़ी साइज़ की ही चाहिए यार, क्योंकि जितनी बिग चाहिए ना तो उतने हमारे प्लांट्स यार अच्छे रहेंगे यार, ठीक है, कम्फर्टेबल रहेंगे। तो चलो यार अभी हम देखते हैं कौन सी अच्छी है। तो ये देखो ये भी है बट ये थोड़ी मीडियम साइज़ की, तो मुझे इतनी नहीं अच्छी लगी, बट वो जो है ना बड़ी वो अच्छी लगी यार मुझे। तो चलो यार और ये देखो ये और एक बड़ी वाली है भाई, ये कितनी बड़ी है। तो चलो अभी देखते हैं इसमें से कौन सी अच्छी लगती है, फिर मैं इसमें से जो चूज़ कर लूँगा हम वो दो डज़न ले लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी, एक स्क्वायर वाला ऐसा मतलब फिश टैंक जैसा ये प्लास्टिक का बॉक्स है, शायद से फाइबर प्लास्टिक मुझे नहीं पता, बट है यार देखो यार कितना मतलब बड़ा है और हमारे गप्पी फिशेस के लिए तो ये परफेक्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो पॉन्ड है ना वो लीक है, तो लीक होने की वजह से हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, बट ये ज़रूर मैं यूज़ कर सकता हूँ यार। चलो अभी तो नहीं लेना है, अभी सिर्फ देख रहा हूँ मैं, तो परफेक्ट है यार ये। ये मुझे गोल्ड कलर वाला पॉट भी बहुत अच्छा लगा यार, बट हमारी फिशेस में नहीं रहेगी। तो इस पॉट का भी लुक देख सकते हैं और इसमें हमारे गप्पी पिजन्स कितनी खूबसूरत लगेगी। तो दोस्तों ये मैंने चीज़ ले ली हमारे पिजन, नहीं सॉरी हमारे बजीज और कॉकटेल के लिए, क्योंकि मैं इनको खाना डालता हूँ यार सारा का सारा नीचे गिरा देते, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं हमारे बजीज और कॉकटेल के लिए मैं ले रहा हूँ, उनके लिए मैं दो ले लेता। स्नो और ब्लैकी के लिए थोड़े छोटे हो जाएंगे, मैंने बोला अंकल को नेक्स्ट टाइम थोड़े हमें बड़े चाहिए, तो ये मैंने दो ले लिए और बाद में हम थोड़े बड़े साइज़ के लेके जाएंगे। और दोस्तों मैंने ये भी फ्लावर पॉट ले लिए क्योंकि यार हमारी वाटर लिली इसमें लगने वाली है। दोस्तों हमने इस वाले शॉप से बहुत सारी शॉपिंग कर ली है और हमारा जो पार्सल है एक दो दिन में आ जाने वाला है। चलो यार अभी हम निकलते हैं। तो ना दोस्तों मैं अभी जिस इलाके में खड़ा हूँ ये है हमारे इलाके का मिडल वाला स्पॉट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे जंगल का एरिया है, मतलब इतना ऐसा गहरा जंगल नहीं है, यहाँ पे आजू बाजू पूरे फार्म है और ये मिडल का स्पॉट होने की वजह से यार यहाँ पे
सारा दिखता है, मतलब सारे के सारे पहाड़ वगैरह दिखते हैं। तो देखो उस पहाड़ी पे पूरी बारिश आ रही है और इधर देखते हैं तो थोड़ा बहुत धूप भी है, तो बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। तो चलो अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी निकलते हैं घर पे। तो फाइनल दोस्तों मैं अभी घर आ चुका हूँ और यहाँ पे बारिश रुकी है, तो मैंने अभी ना हमारे पिजन्स को भी खाना दे दिया और हमारे कॉकटेल और बजीज को भी मैंने खाना दे दिया। अच्छा 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 अच्छा, ये देखो भाई अभी ये डरती भी नहीं यार मुझसे, पूरे के पूरे हैंटिंग हो चुके हैं। आओ आओ और देते हो ना दोस्तों, ये इनका इवनिंग का डाइट है जो कि मैं इनको मिक्स सीड्स देता हूँ। ये देखो भाई इनका प्रॉपर डाइट है भाई, इनको सारी तरह की सीड्स मिल जाती है। चलो ये भी खा लो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मैं भूल ही गया यार, मैंने इनके लिए ना गिफ्ट लाया है, मतलब एक प्लेट लाई है, भूल ही गया मैं प्लेट लेके आता हूँ। तो दोस्तों कुंडे की शॉप से मैं ये वाली प्लेट लेके आ गया हमारे कॉकटेल और बजीज के लिए, क्योंकि ना यार इनको खाने में बड़ी ही ज़्यादा दिक्कतें होती थी, तो अभी मैं देता हूँ इस प्लेट में। चलो खा लो खा लो भाई, ये दे दे मुझे, इसमें दे देता हूँ तुझे। तो ये देखो यार, ये इसमें बड़े ही आराम से खा सकते। येल्लो जी मैंने इनको इस प्लेट में दे दिया और देखकर कितने सुकून से खा रहे हैं, और अच्छा भी इनको अच्छा लग रहा होगा और अभी खाने के लिए, और ये अभी झगड़ेगी भी नहीं, वैसे तो झगड़ती भी नहीं है, आराम से रहते। तो दोस्तों हमने जो हमारी कुंडियों की शॉपिंग की है, मतलब ढेर सारी हमने हमारे सेटअप के लिए कुंडियाँ लाई है भाई, ठीक है। तो वो बहुत जल्द एक दो दिन में अंकल भिजवा देने वाले हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट कर देने वाले, ठीक है। अभी ट्रांसपोर्ट का पॉसिबल नहीं था क्योंकि ना बारिश भी चल रही थी, तो यार मैं बाइक पे था और मतलब पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो अंकल बोले कि बहुत जल्द आपकी कुंडिया आपके घर पे पहुंच जाएगी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, तो एक दो दिन लगेगा यार उसके लिए। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।